हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी ये गाड़ी है। अभी फिलहाल में मेरा एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने इसको बाहर भी दिखाया था और कंपनी में इंश्योरेंस में भी दिखाया था, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि गाड़ी को कितना खर्चा आएगा बाहर से ठीक कराने में और कितना खर्चा मुझे इंश्योरेंस से आ रहा था ठीक कराने में। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको किसको प्रेफर करना चाहिए, आफ्टर मार्केट बाहर से या विद इन द इंश्योरेंस क्लेम आपको लेना चाहिए गाड़ी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, अभी मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ था। पहले तो मेरी जो गाड़ी का पार्ट था वो इस पार्ट पे एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसका वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इसी वीडियो के बीच में, वहाँ पे आप देख लेना कि मेरे गाड़ी में क्या क्या डैमेज हुआ था। मेरे गाड़ी में जो डैमेज हुआ था, ये साइड का फेंडर पूरा का पूरा दब गया था और पूरा टेढ़ा मेढ़ा यहाँ से एजेस पूरे खुल गए थे, पूरा ये डैमेज हो चुका था। ये साइड का जो ड्राइवर साइड का डोर होता है यहाँ पर, ये भी पूरा इतना हिस्सा दब गया था। और ये जो बम्पर है ये भी यहाँ से क्रैक हो गया था और यहाँ से पूरा पार्ट खुल गया था। और जो लाइनिंग होती है भाई नीचे की, वो भी बाहर निकल के आ गई थी, तो अच्छा खासा। और ये लाइट, हाँ ये लाइट भी यहाँ से पूरी डैमेज हो चुकी थी, पूरी टूट गई थी लाइट। तो ये इतना हिस्सा पूरा गाड़ी का डैमेज हो चुका था। एक साइड से गाड़ी ने, पिकअप ने मुझे गाड़ी को, मेरी गाड़ी को ऐसे ठोक दिया था, तो उस वजह से ये पूरा एक्सीडेंट हो गया था। किराए पर ही एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर जो भी कार्रवाई हुई थी पुलिस की, FIR वगैरह हमने वहाँ पर करवाई और वहाँ पर तामझाम पूरा निपट गया हमारा वहाँ पे कलेश। और उसके बाद हमने इसको मार्केट में ले जाकर दिखाया कि इसको कितना ज़्यादा खर्चा आएगा मुझे मार्केट में ठीक कराने में। और फिर इंश्योरेंस में मैंने पूछा कि, मैं एजेंसी पे लेके गया, वहाँ पे मैंने पूछा कि वहाँ पर ये कितने में खर्च ठीक हो जाएगी गाड़ी मेरी। तो जब मैं मार्केट में गया था तो उन्होंने मुझे इस पर लगभग 20,000 से 22,000 रुपये का खर्चा बताया था। ये सारा का सारा पार्ट ठीक करके वो दे देंगे मुझे, इसमें 20-22 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। तो फिर मैंने एजेंसी पर गया, मैं यहाँ पर टाटा की, मैंने वहाँ पर पूछा कि मुझे गाड़ी ठीक करानी है और विदाउट इंश्योरेंस मुझे करानी है, क्योंकि मुझे इंश्योरेंस पर कवर नहीं लेना। पहले उन्होंने पूछा कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि 45 से 50 हज़ार रुपये गाड़ी को इतना पार्ट ठीक कराने में खर्चा आ जाएगा। फिर मैंने बोला कि इंश्योरेंस में मुझे करानी है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ आपको फाइल चार्ज देना है, क्योंकि मेरे पास नील टैप वाला कवर था इंश्योरेंस का, तो मैंने वो लिया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ फाइल चार्ज देना है, तो ये वाला पार्ट वो कवर करके दे देंगे। तब बात यहाँ आती है कि अब मुझे आफ्टर मार्केट करवा लेना चाहिए था ये, या मार्केट ने छोड़ के एजेंसी पर जाके करवा लेना चाहिए था इंश्योरेंस पे। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके गाड़ी में कोई भी काम छोटा सा है, जैसे 1,000, 2,000, 3,000 रुपये का है, और वो आफ्टर मार्केट आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएगा और कम टाइम में गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी, तो आपको आफ्टर मार्केट प्रेफर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस पे क्लेम लेते हो तो आपकी गाड़ी में वो पूरी की पूरी एक जो डिटेल होती है आपके एक्सीडेंट की, वो इंश्योरेंस में कवर हो जाती है और वहाँ पे वो अलॉटमेंट उसका हो जाता है कि आपकी गाड़ी में ये काम हो गया है। तो और 1,000-2,000 रुपये के काम के लिए अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लेंगे, तो आपका जो एक मोटा जो फ़ायदा होने वाला है जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराओगे, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा, जो आपको नो क्लेम बोनस के रूप में आपको कंपनी देती है 2-3 हज़ार रुपये का। जो भी छूट होती है वो डिपेंड करती है आपकी गाड़ी की वैल्यू के ऊपर। तो अगर आपके गाड़ी का काम 10-15 हज़ार या उससे ऊपर है, जैसे मेरे गाड़ी का काम 50 हज़ार का बताया था उन्होंने, तो वहाँ पर हमें इंश्योरेंस में कराना ठीक रहेगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस के पैसे भी दे रखे हैं। जब हमने गाड़ी परचेस करी थी तो अभी मैंने 35-40 हज़ार रुपये इकट्ठे दिए थे इंश्योरेंस को, और अभी मैंने इसको रिन्यूअल भी कराया था इंश्योरेंस का, तब भी मैंने इसको 12-15 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के रिन्यूअल में भी दिए थे। तो क्यों ना क्यों हम उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो भाई, हमने फिर इंश्योरेंस में ही गाड़ी ठीक होने के लिए दे दी, और उन्होंने बोला कि आपको ये गाड़ी 15 दिन में लगभग ठीक होकर मिल जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में डेंटिंग पेंटिंग होनी है या फिर पार्ट आपका रिप्लेसमेंट होगा। तो पार्ट रिप्लेस होता है तो पहले पार्ट को ऑर्डर पर लगाया जाता है, फिर ऑर्डर से वो पार्ट आता है, फिर उस पर जो आगे का काम किया जाता है। तो मेरा ये वाला पार्ट पूरा रिप्लेस हुआ है, बम्पर भी मेरा पूरा रिप्लेस हुआ है, तो ये भी पार्ट ऑर्डर में गया, और ये लाइट भी रिप्लेस हुई थी, तो ये भी लाइट ऑर्डर में लगाई गई थी, ये पार्ट भी ऑर्डर में लगाई थी। गेट उन्होंने डेंट पेंट करके ठीक करके दिया है हमें, तो ये 3 पार्ट ऑर्डर लगाए थे, तो उसमें हमें 15 से 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि आपको 15 से 20 दिन में गाड़ी मिल जाएगी। अब बात करता हूँ कि इंश्योरेंस में गाड़ी ठीक कराने पर आपको क्या क्वालिटी मिलती है और कैसा वो काम कर आपको देते हैं और कैसा पेंट वर्क आपको करके देते हैं। तो देखो, बात करूँ मैं डेंटिंग की, तो उन्होंने ठीक ठाक डेंटिंग करके दे दी है, थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है, क्योंकि जो गाड़ी फैक्ट्री से फिट होकर आती है वो ऐसा काम तो बाहर कोई भी कर आपको नहीं दे सकता, वहाँ पर रोबोटिक काम होता है और यहाँ पर हाथ से मैनुअली काम करते हैं, तो काफ़ी ठीक ठाक फिनिशिंग उन्होंने करके दे रखी है। पेंटिंग में थोड़ा सा इशू मुझे लगा, क्योंकि उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती है पेंटिंग में, जैसे कि गाड़ी OEM से फिट होकर आती है बिल्कुल चमाचम पेंट होता है उसका, पर उतनी फिनिशिंग पेंट में नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बम्पर पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसे मार्क्स छोड़ रखे हैं, कहीं ना कहीं पेंट के दाने दाने आपको दिखाई देंगे, तो उतनी फिनिशिंग नहीं, काम चल जाएगा और काफ़ी बेहतर है। और मार्केट से जो आप करवाते हो आफ्टर मार्केट, उससे काफ़ी बेहतर ही है, क्योंकि अच्छी पेंट क्वालिटी वो यूज़ करते हैं, तो अच्छे तरीके से और बंद उसमें पूरा होता है उनका, वहाँ पर वो पेंट करते हैं पार्ट्स को,
तो काम उन्होंने काफ़ी ठीक किया है। बट एक चीज़ मुझे जो वहाँ पर ठीक नहीं लगी, वो आपके इंश्योरेंस का गलत फ़ायदा भी कभी कभी उठाते हैं। जैसे मेरे साथ क्या होता है, मेरा जो ORVM था वो मेरा डैमेज नहीं हुआ था, वो बिल्कुल सेफ था। बट उन्होंने क्या किया, ORVM वहाँ पर खोल कर रख लिया और उसको भी क्लेम में डाल दिया, और जो पुराना वाला ORVM था वो रख लिया अपने पास और मुझे नया वाला ORVM लगा कर उसमें दे दिया। तो आपके इंश्योरेंस का कुछ इस तरीके से वो गलत यूज़ भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको देखना है। बट वो क्या कर सकते हैं, वो भी उनका कमाई का जरिया है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इस तरीके से देखिए, आप मेरी गाड़ी अभी बिल्कुल ओके हो गई है, पहले की वीडियो में आप उस पर दिखा दूंगा कि पहले कैसी हो गई थी और अब कैसी हो गई है, तो इस तरीके से देख सकते हो आप। और हाँ, मैं बता दूँ आपको कितना बिल आया फिर इंश्योरेंस से ठीक कराने पर, जो इंश्योरेंस ने मुझे प्रोवाइड कराया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये आपको इतना दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें 37,000 का बिल यहाँ पे उन्होंने हमारा बनाया है। इसमें आपका क्या क्या पार्ट उन्होंने रिप्लेस किया 37,000 में, लेबर वगैरह चार्ज सारे उसमें लगे हुए इंक्लूडेड है। उसमें हमारा उन्होंने एडिशनली ये आप चेंज करके दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसका कोई मतलब नहीं था, वहाँ पर ये भी चेंज कर दिया उन्होंने कि गेट उन्होंने डेंट पेंट करके दिया है, ये पार्ट रिप्लेस करके पेंट करके दिया है, ये रिप्लेस करके दिया है, और बम्पर पूरा रिप्लेस कर पेंट करके दिया है। इसमें फिटिंग उसकी, पेंटिंग जॉब्स और खोलना बांधना सब इंक्लूड है। तो भाई देख सकते हो आप, अगर आपकी गाड़ी में बड़ा काम है और उसको आपको लगता है कि उस आफ्टर मार्केट आप कराने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो आप बेखौफ जाइए, बिल्कुल निश्चिंत होकर इंश्योरेंस में दे दीजिए गाड़ी। बट इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, 15-20 दिन, डिपेंड आपकी गाड़ी कितनी कंडीशन उसकी ख़राब हो रही है, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसके हिसाब से टाइम आपको देना पड़ेगा। काम आपका बेहतरीन हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देख सकते हैं, अगर छोटा मोटा काम है तो आप बाहर से करा लीजिए 2,000 रुपये का, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और गाड़ी की कोई वैल्यू भी ख़राब नहीं होगी। तो ठीक है, वीडियो रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।